हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केआरएस क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स। सो हमने लास्ट सम में ये क्वेश्चन 8 ए क्लियर किया, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन 8 बी। भक्ति लिमिटेड फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर्स फोरफिट किए हैं भक्ति लिमिटेड ने? 100 शेयर्स। पर यहाँ पे पहले ए से कुछ तो भी ट्विस्ट है। यहाँ पे देखो ₹6 कॉल्ड अप। ए में कैसा था? पूरा का पूरा ₹20 फुल्ली कॉल्ड अप था, इसलिए हमने ये जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा, तो ₹100 × 20 किया था। डिफरेंस समझ लो स्टूडेंट, अगर आपको डिफरेंस समझता है ना तो फिर आप गलतियां नहीं करोगे। फर्स्ट ए में कैसा था? ₹20 कॉल्ड अप किए थे, इसलिए कैपिटल में डालते वक्त हमने 100 × 20 किया। पर यहाँ पे कितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप किया है? ₹6। तो जितना कॉल्ड अप किया था उतना ही कैपिटल में जाएगा। क्लियर? ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर होल्डर ने कौन सा पैसा दे दिया है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पोर शेयर। कंपनी ने कॉल्ड अप ₹6 किए हैं और शेयर होल्डर ने सिर्फ ₹5 दिए हैं 100 शेयर का। ओके, तो ₹1 कोई एक कॉल का बाकी है जो आपको यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए हम उसे कॉल्स इन एरियर्स ये नाम देंगे। सो फर्स्ट हम करते हैं जर्नल एंट्री पास करेंगे क्वेश्चन 8 बी की फर्स्ट एंट्री। ओके, सो फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल यहाँ पे हमें हम फोरफिट कर रहे शेयर, तो पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, टू रिसीव्ड जो पैसा रहेगा, पैसा मिला है वो इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट को जाएगा। टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट, और जो नहीं मिला है वो रिस्पेक्टिव कॉल को। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? ₹5 मिला है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, कंपनी ने ₹6 कॉल किया था, तो ₹1 नहीं मिला है, वो कौन सा कॉल है वो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट से पहले के सम में कैसे था? ऐसा दिया हुआ था फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसलिए हमने एंट्री लिखते वक्त यहाँ पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसे लिखा था। ओके, यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर्स इस तरह से मेंशन करेंगे। अभी अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है? तो कैपिटल को कितने जाएगी? शेयर्स कितने थे? 100। कंपनी ने कॉल्ड अप किया था 6, तो 100 × 6 ये कैपिटल में जाएगा। कंपनी को मिला कितना पैसा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का? ₹5। सो 100 × 5 ये फोरफिचर में जाएगा, और ₹1 नहीं मिला है, जो भी बैलेंस है वो नहीं मिला है, तो ₹100 वहां पे जाएगा। सो 100 × 6 दैट इज 600। कॉल्स इन एरियर्स 100 एंड इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट 500 मिला है, बीइंग फोरफिचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ ₹100। ₹100 नहीं मिले इसलिए फोरफिट किए हैं शेयर्स। अभी नेक्स्ट एंट्री आउट ऑफ विच 80 शेयर्स, यहाँ पे भी पूरे शेयर्स नहीं री इश्यू किए, 80 शेयर्स वेर री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 16 पर शेयर। ओके, ये यहाँ पे कुछ तो भी अलग है। सो दे आर इश्यूड एज अ फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर, 16 नहीं है वहां पे, 6 पर शेयर है। सो री इश्यू की एंट्री हम पास करेंगे बी में सेकेंड एंट्री री इश्यू। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट करना है। कितने शेयर री इश्यू किए कंपनी ने? 80। ओके, 80 शेयर री इश्यू किए, 80 × 6। सो कंपनी ने फुल्ली पेड अप किया है 6 में ही, सो 80 × 6 दैट कम्स 480। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग री इश्यू ऑफ 80 फोरफिटेड शेयर्स एट द रेट कितने में? 6 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप पे किया है। सी लास्ट इसमें कैसा था? 15 में कंपनी ने री इश्यू किए थे,
तो बाकी हमने शेयर फोरफीचर से अमाउंट लिया था, यहाँ पे फुल्ली पेड अप है। नाउ सम अमाउंट विल बी ट्रांसफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कौन सी अमाउंट? तो जो फोरफीचर में जो पैसा मिला था वो शेयर के ऊपर, जो फोरफिट किए हैं शेयर, उसमें से जो पैसा मिला था कंपनी को, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व। सो इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना पैसा हमें ट्रांसफर करना है? सो जैसे लास्ट टाइम हमने प्रपोर्शनेट अमाउंट निकाला, बस उसी तरह से प्रपोर्शनेट अमाउंट यहाँ पे निकालना है हमें। ओके, सी प्रपोर्शनेट अमाउंट, 100 शेयर के ऊपर फोरफीचर का कितना अमाउंट था? फॉर 100 शेयर्स फोरफीचर को 500 रुपीज था, राइट? कंपनी ने कितने शेयर री इशू किए हैं? 80 शेयर्स री इशू किए हैं। तो 80 शेयर का हमें फोरफीचर का अमाउंट निकालना है। सो 80 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू 500 अपॉन 100, इट कम्स 400 रुपीज, राइट? नाउ शेयर्स वेर री इशूड एट रुपीज 6 पर शेयर, विच इज कॉल्ड अप अमाउंट, राइट? सो प्रपोर्शनेट अमाउंट फॉर फोरफीचर अकाउंट रुपीज 400 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400 रुपीज। ये पूरे के पूरे 500 नहीं सेंड करने हैं, 100 में से 80 शेयर ही सेल किए हैं, तो उसमें उसका जो अमाउंट है वो हमें ट्रांसफर करना है। ओके, नो सी द सी वन, कोनार्क लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अभी यहाँ पे भी कितना कॉल्ड अप किया है? सिर्फ 8 रुपीज। शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। 3 यानी ये 8 रुपीज जो कॉल्ड अप किए उसमें से 3 रुपीज नहीं मिले, यानी कितने मिले हैं? 5 रुपीज मिले, राइट? सी अगेन, कितना कॉल्ड अप किया है कंपनी ने? 8 कॉल्ड अप किया है, उसमें से 3 रुपीज मिले, यानी कितना नहीं मिला है? 5 रुपीज नहीं मिले, 5 रुपीज ऑन 50 शेयर। सो फर्स्ट एंट्री वी विल पास फॉर फोरफीचर, सो एंट्री विल बी फोरफीचर है, तो उसमें पहले तो कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कौन सा अमाउंट नहीं मिला है आपको? क्वेश्चन में दिया है, देखो, फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, यानी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, राइट? सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू जो अमाउंट मिला है वो कहां पे हम डालते हैं? फोरफीचर अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। सी टोटल कितने शेयर्स है? 50 रुपीज है। कॉल्ड अप कितना किया है कंपनी ने? 8 रुपीज कॉल्ड अप किया है, तो कैपिटल को 8 रुपीज ही जाएगा। 50 शेयर का कितना हो गया? 8 रुपीज से 50 × 8 400। फर्स्ट कॉल जो पैसा नहीं मिला है कंपनी को 3 रुपीज था पर शेयर, सो 50 × 3 इट कम्स 150। एंड द अमाउंट विच इज रिसीव्ड 50 × 5, 8 रुपीज कॉल किया है, 3 रुपीज नॉट गॉट, सो 8 − 3 5 रुपीज मिले हैं, 5 × 5 = 25। ओके, बीइंग फोरफीचर ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 50 शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। नाउ व्हाट इज गिवन? लेटर ऑन 30 ऑफ द शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर। 30 शेयर्स री इशू किए हैं कंपनी ने, सो बैंक अकाउंट डेबिट 30 शेयर्स री इशू किए हैं इनटू 7 पर शेयर, दैट इज 210। 7 में सेल किया है कंपनी ने 1 शेयर का कॉस्ट, ओके, बट कैपिटल में कितना जाएगा? क्रेडिट साइड कैपिटल हम लिखते हैं, राइट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सी कंपनी ने फोरफिट करते वक्त कितना शेयर था? 8 रुपीज पर कॉल
पर शेयर था, तो कैपिटल में यहाँ डालते वक्त 30 शेयर्स है, सो 30 इंटू 8 डेट इज 240. सो 240 माइनस 210, 30 रुपीज कहाँ से लाएगी कंपनी? फोरफीचर अकाउंट से. टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट. ओके, बीइंग रीइश्यू ऑफ 30 फोरफिटेड शेयर्स एट द रेट ₹7 पर शेयर. अभी हमें उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में सेंड करना है. एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो हमें पहले तो फोरफिचर, ये जो 50 शेयर का कितना था फोरफिचर में भेजा हुआ अमाउंट? 250 था, राइट? सी 50 शेयर्स का कितना था फोरफिचर में अमाउंट? 250 था. तो हमें उस तरह से 30 शेयर्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो 30 इंटू 250 माइनस 50 विच कम्स ₹150. ओके, यानी 50 शेयर्स का इक्विटी फोरफीचर का अमाउंट 250 था, तो 30 शेयर का कितना हो गया? 150 हो गया, राइट? ये 150 में से कितना पैसा यूज किया कंपनी ने? 30 रुपीज यूज किया है, यानी बचा कितना? 120 रुपीज. ओके, सी 50 शेयर का 250 था, तो 30 शेयर का हमने कैलकुलेट किया 150. बाद में ये 150 में से 30 रुपीज यूज किए, यानी कितना बचा? 120. सो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 120. इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. सो स्टूडेंट, हियर वी फिनिश ऑल द सम ऑफ चैप्टर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स. यू कैन रिफर टू ऑल सम्स टू क्लियर यूर डाउट्स. Okay, thank you students. Have a good day.